नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में IQ Z9 5G वर्सेस Vivo T2 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z9 5G में 6.42 इंच जबकि T2 Pro 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Z9 5G में 2.98 इंच जबकि T2 Pro 5G में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Z9 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Z9 5G में 0.31 इंच जबकि T2 Pro 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Z9 5G में 188 ग्राम जबकि T2 Pro 5G में 175 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z9 5G में 6.67 इंचेस जबकि T2 Pro 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z9 5G में 86.83% जबकि T2 Pro 5G में 90.42% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z9 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि T2 Pro 5G में 388 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z9 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और T2 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z9 5G में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और T2 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z9 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और T2 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 4 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G610MC4 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z9 5G में MediaTek Dimensity 7200 और T2 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7200MT6886 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Z9 5G में अप टू 1TB जबकि T2 Pro 5G में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Z9 5G में Android V14 जबकि T2 Pro 5G में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी Z9 5G में 5000 mAh जबकि T2 Pro 5G में 4600 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z9 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,827 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें T2 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस, 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो iQOO Z95G में 7 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo T2 Pro 5G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में T2 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Realme GT60 5G है, तीसरा Vivo S19 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Poco F6 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।